हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी जो पिछली वीडियो थी वो थी हाउ टू मेक कैनवास एट होम। तो मैंने ये कैनवास बनाया था। तो होममेड कैनवास पे पेंटिंग करना बहुत इजी है, तो मैंने इस तरह की पेंटिंग इसमें बनाई है। तो अब मैं आपको बताऊंगी पेंटिंग मैंने कैसे बनाई है। तो उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना होममेड कैनवास ले लूँगी और पेंसिल से जो आर्ट मुझे चाहिए वो मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगी। जो मैं आर्ट ड्रॉ कर रही हूँ वो एक राजस्थानी आर्ट है और इस तरीके से मैं उसमें पगड़ी बना ली है, फेस बना लिया है और अब मैं उसकी बियर्ड बना रही हूँ। इस तरीके से बहुत ही ईजी है, ये कोई भी बना सकता है। ये मैंने लिप्स बना दिए हैं, आइस बना दी है और अब शोल्डर्स बना दिए हैं और हाथों को प्रणाम की मुद्रा में मैं इसे बना दूँगी। इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अगेन मैं स्केच पेन ले लूँगी और इसे आउटलाइन दे दूँगी, क्योंकि जब हम पेंसिल का यूज़ करते हैं तो पेंसिल की शेड हाथों में लग के हमारा कैनवास गंदा हो जाता है। तो आउटलाइन देने के बाद मैं इरेजर से इसे साफ़ कर लूँगी। तो अब आती है कलर की बारी। अब हम अपने कैनवास में कलर करेंगे। ये मैंने कुछ कलर ले लिए हैं और मैं सबसे पहले इसमें येलो कलर करूँगी। इस तरीके से मेरा येलो कलर है। मैं ब्रश ले लूँगी फ्लैट और इसके पूरे मैं बैकग्राउंड में येलो कलर कर दूँगी। इस तरीके से मैं पूरे में येलो कर दूँगी और ब्रश मेरा बहुत स्मूथ चल रहा है और इस तरीके से मैंने अपना बैकग्राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम कैनवास में दूसरा कलर यूज़ करेंगे। मेरा येलो कलर सूख गया है और अब मैं एक टिश्यू पेपर का यूज़ करूँगी। ये मैं अपने कैनवास में रख दूँगी ताकि आर्ट करते हुए मेरे हाथ से कोई कलर मेरे कैनवास पर ना लगे। तो मैंने रेड कलर ले लिया है और रेड कलर मैं इसकी पगड़ी पे करूँगी। तो अगेन मैंने फ्लैट ब्रश ले लिया है और अब मैं इसकी पगड़ी में रेड कलर कर दूँगी। इस तरीके से मैं पूरी पगड़ी कंप्लीट कर लूँगी। तो फाइनली मैंने पगड़ी कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कलर की बारी। तो उसके लिए अब मैं यूज़ करूँगी ऑरेंज कलर और ये कलर भी मैं पगड़ी में कर लूँगी ताकि जो हमारी पगड़ी है वो कलरफुल लगे। और इस तरीके से मैं भी अपनी इस पगड़ी को भी कलरफुल करके इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आती है हमारे नेक्स्ट कलर की बारी। तो उसके लिए अब मैं लूँगी वाइट कलर। तो अब हम बनाएंगे जो हमारे राजस्थानी ये आर्ट है, इसमें अब हमें देना है स्किन कलर। तो मैंने इस तरह से स्किन कलर बना लिया है ऑरेंज और वाइट को मिला के। तो कलर करने से पहले मैं इरेजर से लिप्स और आईज इरेज कर दूंगी ताकि कलर करते हुए जो पेंसिल की शेड से मेरा कलर ख़राब ना हो। और इस तरीके से मैं कलर को अप्लाई कर दूंगी। ये मैंने फेस पर अप्लाई कर दिया और अब मैं इसे हाथों में भी अप्लाई कर दूंगी। और ये मैंने कलर इसे कंप्लीट कर लिया है। तो अब आती है नेक्स्ट कलर की बारी। तो वो मैंने लिया है ग्रीन कलर और अब मैं इसे मिक्स करके लाइट ग्रीन कलर बना दूंगी। तो मैंने लाइट ग्रीन कलर बना लिया है और अब मैं इसके कुर्ते में ग्रीन कलर कर दूंगी। मैंने 0 नंबर का ब्रश लिया है और इस तरीके से मैं इसे पूरे में अप्लाई कर दूंगी और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फाइनली मैंने ग्रीन कलर कंप्लीट कर लिया है और अब इसे सूखने देते हैं। सूखने के थोड़ी देर बाद अब हम आते हैं वाइट कलर पे और हमने ले लिया है टूथपिक और अब हम अपना टिश्यू पेपर फैला के ऊपर की तरफ जाएंगे और पगड़ी पे छोटे छोटे डॉट्स दे देंगे टूथपिक की हेल्प से। और ये मैंने किस तरह कंप्लीट कर लिया है और पगड़ी देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। तो अब आते हैं नेक्स्ट कलर की बारी। तो मैंने नेक्स्ट कलर जो लिया है वो ब्लैक कलर लिया है। तो मैं ब्लैक कलर की हेल्प से आईब्रो, आईज और बियर्ड पे कलर कर दूंगी। इस तरीके से मैं आईब्रो में कलर कर दूंगी, फिर मैं बियर्ड पे कलर कर दूंगी और इसे कंप्लीट कर लूंगी। और इस तरीके से मैं आईज भी कंप्लीट कर लूंगी। और अब मैं पेंसिल की हेल्प से नीचे के लिप्स भी इसमें कर लूंगी कि मुझे कितने लिप्स इसके चाहिए। और अब मैं लाइट पिंक कलर बना लूंगी रेड एंड वाइट मिक्स करके। इस तरीके से मैंने लाइट पिंक कलर बना लिया है और अब मैं इसमें लाइट पिंक कलर कर दूंगी और हल्की सी रेड से आउटलाइन दे दूंगी। तो फाइनली मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया है।
तो अब हम आते हैं पेंटिंग के नीचे वाले पार्ट में। तो यहाँ पे हम राजस्थानी स्लोगन लिखेंगे, पधारो मारे देश, और इस तरीके से मैंने पेंसिल से इसे लिख लिया है। और अब मैं ब्लैक कलर का यूज़ करूँगी, ब्लैक या रेड, आप जो भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं ब्लैक कलर का यूज़ करूँगी और इसे लिखने के बाद मैं इसे बोल्ड कर दूँगी। तो ये मैंने अपना स्लोगन लिख लिया है और उसके बाद मैंने इसे बोल्ड कर लिया है, और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फाइनली ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ये जो मैंने राजस्थानी आर्ट बनाई है, अब मैं इसकी आउटलाइन दे दूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने बनाया था तब हमने स्केच का यूज़ किया था और इसकी आउटलाइन नहीं करी थी। तो अब मैं इसको ब्लैक कलर से आउटलाइन कर सकती हूँ, आप अपने मनचाहे कलर से आउटलाइन दे सकते हैं। तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया है फाइनली। और अब मैं इसे और शाइन करने के लिए ट्रांसपेरेंट स्प्रे का यूज़ करूँगी और इसमें स्प्रे कर दूँगी। स्प्रे के बाद ही काफ़ी शाइन कर रहा है। अब आते हैं इसे हैंग करने की बारी। तो इसके लिए आप डबल साइड टेप का यूज़ कर सकते हैं, इससे आपकी दीवारें भी ख़राब नहीं होंगी। या इस तरीके के पिक्चर हैंगर आपको हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएंगे, या आप अपनी पेंटिंग को घर में फ्रेम कर सकते हैं, या आप उसे बाहर फ्रेम करवाने दे सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।